हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो केविन फाइगी ने अभी हाल ही में कंफर्म करा है कि स्पाइडरमैन मूवी फेज 3 का पार्ट है, ना कि फेज 4 का। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये मूवी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से। अगर आपको बस वाला सीन याद होगा जिसमें पीटर बस में लौट रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट टोनी के पास चले जाता है और उस स्पेसशिप में एम्बोनी वॉर से लड़ने के लिए और ब्लैक द्वार से लड़ने के लिए। तो ये सीन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से, मुझे जो लगता है। उसी के बाद डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म कर दिया इंटरव्यू में कि अगला विलेन हो सकता है डॉक्टर डूम। तो ये काफी बड़ा स्पॉइलर है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा। निक फ्यूरी के चल रहे रीशॉट स्पाइडरमैन मूवी के, उन्होंने एक बिहाइंड द सीन इमेज डाला है अपने इंस्टाग्राम पेज पर ऑफिशियली, आप जाके चेक कर सकते हो। एवेंजर एंड गेम का रेड कार्पेट स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, देखते हैं हमें क्या क्या अपडेट नहीं पता चलते हैं। उसी के साथ एरिक कंफर्म हो चुके हैं एवेंजर एंड गेम मूवी में और इनका काफी बड़ा रोल है एवेंजर एंड गेम मूवी में। तो देखते हैं कि हमें क्या और अपडेट पता चलता है इनसे रिलेटेड। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का काफी बड़ा पोस्टर लॉन्च करा गया है जिसमें कि हमें सर्वाइवल कैरेक्टर को दिखाया गया है। तो ये काफी बड़ा प्रमोशन हो रहा है एवेंजर एंड गेम का, और आपको बता दूं 200 बिलियन तक करीब खर्च हुए एडवर्टाइज पर। उसी के साथ एडिडास कंपनी ने कैप्टन मार्वल के शूज लॉन्च करे हैं जो कि फैंस के लिए ऑफिशियल लॉन्च करे गए हैं। कैप्टन मार्वल को 116 बार देखने जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि बहुत बड़ी बात है मार्वल फैंस के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है। उसी के साथ इंस्पायरिंग 6 ओरिजिनल कैरेक्टर के लिए एक पोस्टर बनाया गया है एवेंजर एंड गेम का, जो कि एक आर्टिस्ट डिजाइनर बना गया है। जापान बॉक्स ऑफिस में काफी ज्यादा सजाम हिट हो रही है, एक पोस्टर लॉन्च करा गया है इस खुशी में कि ये मूवी काफी ज्यादा वहां पे पॉपुलर हुई है। उसी के साथ एक मैगजीन का कवर लॉन्च हुआ है जिसमें स्पाइडरमैन को दिखाया गया है टॉबी मैकफाय वाले को, यानी कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उसी के साथ 7 डेडली यानी कि सजाम का बियॉन्ड द सीन लॉन्च करा गया है जो कि एक इनक्रेडिबल है आगे सेकंड फ्यूचर पार्ट के लिए। उसी के साथ पता चला है कि निक फ्यूरी की बेटी है एमजे, जो कि इन फ्यूचर हमें पता चलने वाला है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। देन उसके साथ एक प्रोमो लॉन्च हुआ है स्पाइडरमैन का मिस्टीरियो का, जिसमें कि स्पाइडरमैन को तो सभी जानते हैं पर मिस्टीरियो का जो आर्ट वर्क है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा डिटेलिंग नजर आ रही है, ये कैरेक्टर धमाके मचाने वाला है। देन उसके साथ स्पाइडरमैन का लीगो सेट लॉन्च हुआ है जिसमें मॉल्टन मैन बहुत बुरी तरीके से नजर आ रहा है लड़ते हुए, और मॉल्टन मैन सब चीज को पिघला के अपने अंदर ले रहा है, तो ये काफी इनक्रेडिबल पावर है। और देन एक छोटा सा लेजेंड टॉय लॉन्च हुआ है मिस्टीरियो का और मॉल्टन मैन का। तो जैसा कि आप देख रहे हो बिहाइंड द सीन इमेजेस में, अब इम्पॉर्टेंट शो ये होने वाला है कि जो मॉल्टन मैन का और जो मिस्टीरियो का जो लॉन्च हुआ है, इसी के साथ ऐड करे हैं कुछ अलग से पार्ट्स, तो वो भी मॉल्टन मैन की हैं। मार्वल ने कंफर्म कर दिया कि वो गोल्ड बस्टर आर्मर इन फ्यूचर दिखाएगा, चाहे तो वो एवेंजर एंड गेम में होगा या इन फ्यूचर आगे देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।